अच्छा तो आप यहाँ बैठे हो भैया? तूने ढूंढ लिया मुझे, आ बैठ यहाँ। तुझे याद है यहोवा ने कहा था हमसे कि उसने धरती के सब देशों में से अपने लिए हमें पवित्र राष्ट्र चुना है ताकि हम उसके अपने लोग और हमेशा के लिए उसकी खास जागीर बन जाएं। हाँ, इस देश में आने से पहले उसने मूसा के जरिए ये बात कही थी। हाँ, यहाँ आने से पहले उसने कहा था हमसे कि तुम कनानियों की सारी मूर्तें नष्ट कर देना। पर आजकल लोग और भी ज्यादा मूर्तों को पूज रहे हैं, है ना? जहाँ देखो वहाँ लोगों ने छोटे देवताओं की वेदियाँ खड़ी कर दी हैं। पर आप अपना काम अच्छी तरह कर रहे हो। मगर कोई नहीं सुनता मेरी। मैं तो सुनती हूँ। खैर, मेरे लिए तो आप भविष्यवक्ता एलिया जैसे हो। मुझे नाज है आप पर भैया। पता नहीं यहोवा ने क्या देखा मुझ में। ऐसा नहीं है, आप हमेशा यहोवा की बात मानते हैं और हम सबको आप पर फक्र है। योना, योना। हाँ, हाँ प्रभु। जा उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे सजा सुना, क्योंकि मैं उसकी दुष्टता को अनदेखा नहीं कर सकता। नीनवे, नीनवे जा। वो तो मौत की सजा के लायक है। ठीक कह रहा है। समझ नहीं आ रहा है, वहां क्यों जा रहे हैं? उन्हें समझाना पड़ेगा। बेटा चलो खाना खा लेते हैं, मुझे भूख नहीं लग रही। वो दोनों तो तब से बात ही नहीं कर रहे। तेरे भाई नादान है योना। सुबह सुबह तूने जो खबर दी है ना, उसे सुनकर वो परेशान है। वैसे कुछ कहा उन्होंने? इजलिया को इस बात का डर है कि वो मेरी खाल खींच लेंगे। वो तो कह रहा है कि मत जाओ और मरने दो यहोवा के हाथों। एबेर तो कहता है वो मेरी हरगिज नहीं सुनेंगे। तुम्हें क्या लगता है? अगर यहोवा नीनवे के लोगों को मारना ही चाहता है तो मुझे क्यों भेजता वहां? पर एबेर भी सही कहता है, वो क्यों सुनेंगे जब इसराइल ही नहीं सुन रहे? फिर भी यहोवा उन्हें बार बार चेतावनी देता है। पर आप ही बताओ, आज तक तो यहोवा ने किसी नबी को पराय देश में नहीं भेजा, तो फिर वो अब क्यों भेज रहा है? योना, मैं इस बारे में नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर
जानता हूँ कि अशूर जैसे देश का न्याय करने के लिए यहोवा ने आज तक अपने किसी नबी को नहीं भेजा, लेकिन अगर यहोवा तुझे भेज रहा है तो तुझे जाना चाहिए। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, बस उस पर भरोसा रख। भैया, भैया देखो, मैं अंजीर लाई हूँ, इनकी टिक्कियां बनाऊंगी आपके लिए। काश मैं भी आपके साथ चल पाती। हिजलिया को इस बात का डर है कि वो मेरी खाल खींच लेंगे। भैया आप बिना बताए कहाँ जा रहे हो? योन्ना तू अंदर जा। अरे खाने की चीजें तो ले जाओ, नींबे में खाओगे क्या? आप नींबे नहीं जा रहे क्या? बताओ ना। नहीं, मैं तर्शीश जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। यहोवा ने तो आपको नींबे जाने कहा ना। मैंने नहीं जा रहा, मैं नींबे मुझसे नहीं होगा। लेकिन भैया आप तर्शीश में जाके क्या करोगे? कब लौटोगे वहाँ से? मुझे नहीं पता, शायद कभी नहीं। कभी नहीं? तो फिर नीनवे कौन जाएगा? उन्हें यहोवा का संदेश कौन देगा? मुझे नहीं पता, यहोवा को जो करना होगा वो करेगा, पर मुझसे नहीं होगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, यहोवा को भी मेरी जरूरत नहीं है। पर हमें तो आपकी जरूरत है, आप नबी हो यहोवा के और एलिया हो मेरे लिए, भूल गए? नहीं मैं कुछ नहीं, तू घर जाइयो ना, अपना ख्याल रखना। लेकिन अगर यहोवा तुझे भेज रहा है तो तुझे जाना चाहिए। बस उस पर भरोसा रख।
नरक में तू सो रहा है? उठ, अपने देवता को पुकार, क्या पता सच्चा परमेश्वर हमारी सुन ले और हमारी जान बच जाए। देखेगी किसकी वजह से यह आफत आई है। क्यों आई है? जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। सच्चा परमेश्वर मेरी वजह से ही ये कह लाया है। तू किस देश का है? बोल कहां से आया है? बता, किस जाति का है तू? मैं एक इब्री हूँ। मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ, जिसने समुद्र और धरती को बनाया है। मैं उसका भविष्यवक्ता था। तेरा कसूर क्या है? यहोवा ने मुझे नीनवे जाने को कहा था, पर मैं उससे दूर भाग रहा हूँ। बता हम तेरे साथ क्या करें ताकि समुद्र शांत हो जाए? बता हमें। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये भयंकर तूफान मेरी वजह से तुम पे आया है। फेंक दो इसे। पागल हो क्या? अगर हमने यहोवा के नबी को मार डाला तो वो हमें नहीं बख्शेगा। यहोवा इसे नींद में भेजा जाता है, अगर हमने इसे फेंक दिया तो यहोवा का क्रोध बढ़ जाएगा। सबके सब अपने चप्पू उठाओ और जहाज संभालो। फायदा नहीं, योना की बात मान लो, उसे फेंक दो। हे यहोवा, हम पर दया कर, इस आदमी की वजह से हमें नाश मत कर, ना हमें निर्दोष के खून का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा तू वही कर रहा है जो तू चाहता है। जान दे दी। हमारे देवताओं ने कोई मदद नहीं की। यहोवा ने हमारी जान बचाई, चलो उसे बलिदान चढ़ाएं। से मैं तुझे पुकारता हूं, मेरे खुदा मेरी आवाज सुन। तूने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया है, अब मैं फिर कभी तेरे पवित्र मंदिर को नहीं देख सकूंगा। काश मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूंगा। नाम क्या है? योना। मेरा नाम योना है। तुम उस तरफ से पकड़ो, इसे घर ले चलते हैं।
पापा कह रहे थे कि आप एक नबी हैं। हाँ मैं नबी था। क्या आपको एक मछली ने निगल लिया था? हाँ। मछली ने आपको क्यों निगला? क्योंकि मैं समुंदर में था। आप समुंदर में क्यों थे? मैं जहाज पे था, फिर समुंदर में आ गया। आप जहाज पर क्या कर रहे थे? मैं यहोवा से दूर भाग रहा था। क्या मछली के पेट में आपको डर लगा? हाँ। तो क्या आपने प्रार्थना की? बहुत। आप यहोवा से दूर भाग रहे थे तो उससे प्रार्थना क्यों की? बाहर आओ भैया। छोटी, मुझे लगा आप कभी नहीं लौटोगे, मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। बाबा हर दिन आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे, कहते थे आप जरूर आओगे। ये क्या हुआ भैया? एक मछली ने? ये कैसे हो सकता है? यिजलिया, ये एक चमत्कार था, यहोवा ने बचाया इनको। अब आगे क्या करोगे भैया? मुझे नहीं पता। रात बहुत हो गई है, अब आराम करते हैं, कल सुबह बात करेंगे। मुझे माफ कर दो भैया, जाते वक्त मैंने आपको कितना कुछ कह दिया था, मुझे बहुत ऐसा नहीं है इजलिया, तेरी कोई गलती नहीं। तर्शीश जाने का फैसला मेरा था, परेशान मत हो। हम खुश हैं कि आप लौट आए। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे आप पे आप नाज है। अब सो जा बेटा। बाबा। हाँ बोलो। बाबा मैं उन नाविकों को भुला नहीं पा रहा हूं, उनकी आंखों में डर था, उनका सब कुछ डूब गया, पता नहीं वो लोग जिंदा है या नहीं, सब मेरी वजह से। आज्ञा तोड़ने से ना सिर्फ हमें नुकसान होता है बल्कि दूसरों को भी। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे योना। बाबा क्या यहोवा मुझे आगे कोई काम देगा? यहोवा ने तुझ पे रहम किया योना, तू जिंदा लौट आया, फिलहाल यही बहुत है। बाबा माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, हम सब गलतियां करते हैं, अब चिंता मत कर, सो जा। योना। हाँ प्रभु, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जा उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे वो संदेश सुना जो मैं तुझे बताता हूं। जरूर जरूर, शुक्रिया, मैं वहां जरूर जाऊंगा मेरे मालिक। यहोवा तेरे साथ रहे मेरे बच्चे। उसने गहरे समुंदर से बचा लिया तो आने वाली हर मुश्किल से भी बचा लेगा।
भैया भैया आपके लिए अंजीर की टिक्किया बनाई है मैंने। शुक्रिया योना। निन्वे पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 40 दिन। ध्यान रखना अपना। तुम भी। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? नीनवे। अच्छा? हाँ। मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं वहाँ घोड़े बेचने गया था। पर एक बात कहूँ, मैं खुश हूँ कि मैं घर लौट रहा हूँ। वहाँ संभल कर रहना भाई। सब यही कह रहे हैं। वैसे शहर कैसा है? शहर तो बहुत बड़ा है। पैदल घूमने में सोच लो करीब 3 दिन लग जाएंगे तुम्हें। पर उनके जैसे रथ दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और घोड़े, उनका तो मैं दीवाना हो गया। लोग कैसे हैं वहां के? वहां के लोग युद्ध के देवताओं को पूजते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लोग हैं। लड़ना, मारना, काटना, बस यही है उनका काम। बताने के लिए शुक्रिया। अरे तुम तो डर गए। चिंता मत करो, अपने काम से काम रखना बस। और हाँ, लोगों से उलझने की कोशिश मत करना। किस काम से जा रहे हो वहां? मैं एक नबी हूं यहोवा का। वो मुझे उन लोगों को सजा सुनाने भेज रहे हैं। कैसे वहां के? युद्ध के देवताओं को पूछते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे लोग हैं।
बस 40 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये कौन है? अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बस 40 दिन बाद। बकवास कर रहे हैं, नीनवे तो इसराइली है। इसराइली लगता है कोई पागल है। यहोवा ने ये कहा है। इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही यह संदेश भेजा है। ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये बात सच्चे परमेश्वर यहोवा ने कही है। 35 दिनों में, बस 35 दिनों के अंदर नीनवे तबाह हो जाएगा। नीनवे को तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। 25 दिन बाद हम सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या करें? ये तो इसराइलियों के ईश्वर यहोवा का नबी है। क्या हम शहर छोड़ दें? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? शहर छोड़ दे, हम जाएंगे कहाँ? ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। देख, अगर हमने पश्चाताप किया तो शायद इसका भगवान हम पर रहम करे। वो भविष्यवक्ता कह रहा है कि 20 दिन के अंदर हमारा शहर नाश हो जाएगा। सब लोगों ने टाट तोड़ लिए हैं और वो उपवास कर रहे हैं। वो उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। वो बस यहोवा को खुश करना चाहते हैं। क्या योना ने कहा ये सब करने को? नहीं, लोगों को लगता है कि उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और वक्त भी, तो ये सब करने से शायद उसका ईश्वर उन्हें माफ कर दे। और क्या जानते हो उसके बारे में? हमारे खबरी ने उसकी बातें सुनी है। पता चला है कि वो शुरू में नीनवे आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो तर्शीश की तरफ जाने लगा। फिर उसे समंदर में फेंक दिया। कहता है कि यहोवा ने एक मछली भेजी जिसने उसे निगल लिया और फिर वो यहाँ आ गया। दिमाग खराब है उसका? मुझे नहीं लगता। ये आदमी इसराइल के परमेश्वर का बंदा है वसूर, जो अपने चमत्कार, अपनी ताकत और महानता के लिए मशहूर है। मशहूर होगा अपने देश में, हमारे तो अपने देवता है वसूर। पर यहोवा ही वो ईश्वर है जिसने मिस्र के देवताओं का नामो निशान मिटा दिया, उनकी सेना को लाल सागर में डुबो दिया। ये वही ईश्वर है जो जल प्रलय लाया था, जिसके बारे में हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है। उसका क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो गए थे। शास्त्री को बुलाओ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये गहरी यहोवा की तरफ से है। दस दिन के अंदर सच्चा परमेश्वर नीनवे को तबाह कर देगा। ये परमेश्वर का फैसला है। इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही यह संदेश भेजा है। नीनवे तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। नीनवे के लोगों, ये पैगाम ध्यान से सुनो। ये राजा की तरफ से है। राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फरमान दिया है। आदमी हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न खाए, पानी की एक बूंद भी ना पिए और सब टाट ओढ़े। लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा परमेश्वर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम नाश ना हो जाएं।
तक कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या यहोवा ने इन लोगों को माफ कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि मैं झूठा हूं, मेरी भविष्यवाणी सच्ची नहीं थी? आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोचा करता था। इसीलिए मैं तर्शीश भाग रहा था। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा। हे यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले। जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या तेरा गुस्से से भड़कना सही है? मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। रहम कर, मत जा। तू वाकई सच्चा ईश्वर का बंदा है। मेहरबानी करके रुक जा। नहीं, मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। यकीन है कि तू सच कह रहा है। हम तुझे भी नहीं हुआ।
यहोवा मेरी जान, मुझे मर जाने दे। जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। क्या घी की बेल के लिए तेरा गुस्से से भड़कना सही है? हाँ, मेरा भड़कना सही है, मैं मर जाना चाहता हूं। जिस घी की बेल के लिए ना तूने मेहनत की ना जिसे बढ़ाया, जो एक रात में उगी और एक ही रात में मर गई, उस पर तू तरस खा रहा है। तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस ना खाऊं, जहां 120,000 से भी ज्यादा लोग हैं, जो सही गलत में फर्क तक नहीं जानते, और जहां बहुत से जानवर भी हैं। योना हो? हाँ बेटा। आप ही ने हमें बचाया ना? नहीं, यहोवा ने बचाया है। मैं तो बस उसका संदेश देने आया था। शुक्रिया। क्या कर रहे हो भैया? मैं लिख रहा था कि यहोवा ने नीनवे के लोगों पर और मुझ पर कितनी बड़ी दया की है। ये लिखना आसान नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। अब आप आगे क्या करोगे भैया? जो भी यहोवा मुझसे कहेगा